लौकी के जो कोफ्ते होते हैं सभी को बेहद पसंद होते हैं, बड़ों से लेके बच्चों तक को। और यदि हम इनको थोड़ा रिच बनाएंगे तो आप इनको, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोफ्ते की सब्जी हम खा रहे हैं। आप इसको रोटी, पराठा, पूड़ी, चावल, नान, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और जब हम इसमें इस तरह की गार्निशिंग करेंगे तो क्या कहने इसके। तो गाइस, इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल वैष्णवी बेक्स एंड कुकिंग क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम ग्रेट करा हुआ मोटा लौकी लिया है और उसको, मेरे पास ये स्क्वीजर है, इस स्क्वीजर में मैं इसको स्क्वीज कर लूँगी। आप हाथ से भी कर सकते हो लेकिन इसमें स्क्वीज करने से बहुत अच्छा स्क्वीज हो जाता है, वाटर बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, स्क्वीज करने के बाद इसका वेट 350 ग्राम है तो अच्छे से मैं इसमें स्क्वीजर से स्क्वीज कर लूँगी। और इसके वाटर को हमें फेंकना नहीं है, इस वाटर को आप या तो पी सकते हो या फिर हम वापस इसको ग्रेवी में डालेंगे, जिससे आपको लगे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए कुछ मैं स्क्वीज कर रही हूँ इसको और अभी आप देखेंगे बिल्कुल एकदम खिला खिला बहुत अच्छे से हो गया है। इसमें देखिए बिल्कुल भी वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं रहा, मुझे बहुत सही प्रोडक्ट लगता है ये। तो इसी तरह से आप इसमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे मोमोज़ वगैरह बनाने के लिए भी, तो कोई भी चीज़ स्क्वीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए कितना सारा पानी इसमें निकला है और इसमें लगभग मैं 3/4 कप बेसन मैंने लिया है और उसमें से लगभग मैंने 2 टेबल स्पून बचा लिया है कि यदि नीड लगेगी तो हम और डालेंगे। थोड़ा सा मैंने चॉप्ड धनिया, चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड जिंजर 1 टेबल स्पून के अप्रोक्स डालना है। ग्रीन चिल्ली आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। 1/2 TSP ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा इसमें 1 TSP के जितना कसूरी मेथी जाएगा। तो सभी मसाले हम बारी बारी से यहाँ पे डालेंगे और 2 TSP इसमें कोरिएंडर पाउडर जाएगा। आप इसमें यदि खाते हैं तो अजवाइन भी डाल सकते हैं बट मुझे अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद है कोफ्ते में। 1/2 TSP इसमें गरम मसाला जाएगा, थोड़ा सा इसमें लगभग 1/4 TSP बेकिंग सोडा जाएगा ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने। अभी मैं इसको नीड कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमें सिर्फ पकौड़ों के हिसाब से ही डालना है और 1 TSP के जितना हम देसी घी डालेंगे इसमें। इससे क्या है, इसमें बहुत अच्छा बाइंडिंग आ जाएगा और जो नमक हमारा जो वाटर रिलीज़ करता है वो नहीं होगा उससे। तो देखिए मैंने कितना कम इसमें, आधे कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा मैंने इसमें बेसन डाला था और कितने अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। तो इसी तरह से हम गोल गोल पकौड़े बनाएंगे और इधर कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है और गोल गोल पकौड़े हम इस तरह से बना के इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखना है, बहुत हाई भी नहीं रखना है तो बहुत लो भी नहीं रखना है। ठीक है, जितना आपको लगे उतना पकौड़े एक बार में आ जाए उतना पकौड़े आप इसमें डालिए कढ़ाई में, और जब थोड़ा सा वो सेट हो जाए तो उनको फ़्लिप कीजिए। आप एक फॉक की हेल्प से भी फ़्लिप कर सकते हो या फिर एक पौनी की हेल्प से भी, छेद वाली जो पलटा होता है इससे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे फॉक से ज़्यादा इजी लगा क्योंकि टच भी नहीं हो रहा था एक दूसरे में फिर, तो आप फॉक से भी कर सकते हो। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको पकाना है। देखिए कुछ इस तरह से इनका कलर आ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से ये सिक गए अंदर तक। यदि आप ज़्यादा लो फ्लेम रखोगे तो ये घी पी जाएंगे, पूरा ऑयल पी जाएंगे, और बहुत हाई रखोगे तो ये अंदर तक नहीं सिक पाएंगे। बहुत अच्छे से हमारे कोफ्ते बनकर डन हो गए हैं, पकौड़े कोफ्ते के। तो अब बारी आती है ग्रेवी की। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, चॉप्ड करे हुए। इनको हम एक मिक्सर जार में ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार ग्रीन चिल्ली, क्योंकि हमने पहले भी ग्रीन चिल्ली पकौड़ों में डाली है। और यहाँ पर कुछ मैं होल स्पाइसेस डालूँगी, एक बे लीफ, एक बड़ी इलायची, 6-7 पेपर कॉर्न, 2 छोटी इलायची और 2-3 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। और इन सभी को हम एकदम फाइन प्यूरी करके बना लेंगे। एकदम फाइन प्यूरी बनानी है हमें क्योंकि हमें बाद में ये यूज़ आएगी, मोटा नहीं रखना है बिल्कुल भी। देखिए कुछ इस तरह से। तो गाइज आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़
कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आगे भी देती रहूँगी। देन गाइज, मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप कर्ड। कर्ड में मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के जितना यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1/4 टीएसपी हल्दी पाउडर, 1/2 टीएसपी गरम मसाला, 1/2 टीएसपी क्यूमिन पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टीएसपी हमने लिया है यहाँ पर। और इन सभी को मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला है, 1 टीएसपी मैंने क्यूमिन डाला है और चॉप्ड करी हुई बिग साइज की एक ऑनियन डाली है। इस ऑनियन को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सोते कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपको सोते करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। यदि आप हाई फ्लेम करोगे तो अंदर से कच्चा कच्चा लगेगा, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से हमें भूनना है। और जब हमारी ऑनियन भून जाए तब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डालेंगे, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा फास्ट भूनता है, इसीलिए प्यूरी पहले से ही बना के रखें। देखिए, बेसन को भूनने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगी। बेसन इसमें थिकनेस का काम करता है। यदि आप बेसन नहीं डाल रहे हो तो आप काजू का पेस्ट भी डाल सकते हो थिकनेस के लिए। तो यहाँ पर हमने ये टमाटर वाली जो ग्रेवी बनाई थी वो डाल दिया है इसको। अब इसको हम अच्छे से 5-6 मिनट तक ऑयल रिलीज़ होने तक कुक करेंगे। जब तक इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक हमें इसको अच्छे से कुक करना है। यदि आप इसको अच्छे से कुक नहीं करोगे ऑयल रिलीज़ होने तक, तो आपको टमाटर का कच्चापन महसूस होगा। तो क्योंकि हमने टमाटर कच्चे लिए थे, हम यदि पहले से कुक कर लेते हैं टमाटर को, यदि बाद में कम करते हैं तो थोड़ा कम चलता है, लेकिन किसी भी ग्रेवी में यदि आप कच्चे टमाटर यूज़ कर रहे हो तो उसको पूरी तरह से कुक करना बहुत ज़रूरी है। तो जो यहाँ पर हमने कर्ड में मसाले डाल के रखे थे वो अभी हम डाल रहे हैं वो मिश्रण, और इसको भी लगभग 2-4 मिनट के जितना पकाएंगे हम, जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। ऑयल रिलीज़ करना कंपलसरी है। देखिए, कुछ इस तरह से ये हमारा प्यूरी बनकर तैयार हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है इसमें पानी डालने की। जो हमने लौकी को ग्रेट करने के बाद जो स्क्वीज़ किया था उसका जो वाटर है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बट मैं नॉर्मल वाटर डाल रही हूँ क्योंकि वो मैंने पी लिया था इसलिए। तो जो वाटर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो मैंने गर्म पानी लिया है और 1 कप पानी लिया है। ठीक, सब्जी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे, कितना आपको पतली रखनी है या कितना गाढ़ी रखनी है। कोफ्ते की सब्ज़ी मैं थोड़ा सा पतली ही रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी पानी पी जाते हैं कोफ्ते। और इसको हम 5 मिनट के जितना, 4 से 5 मिनट के जितना लिड लगा के ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर 1 टेबल स्पून के जितना, थोड़ा सा इसमें जाएगा कटा धनिया, थोड़े से जाएगी इसमें कसूरी मेथी। ये तीनों चीज़ डालने के बाद लगभग 1 मिनट और पका लेना। उसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट हमें पहले नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें कर्ड का यूज़ किया है। जहाँ जहाँ कर्ड का यूज़ होता है जिस रेसिपी में, तो वहाँ पे कभी भी सॉल्ट पहले से नहीं डाला जाता। उसके बाद हम इसमें कोफ्ते रख देंगे। कोफ्ते रखने के बाद इनको ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। वैसे आप सर्विंग का इसका यही तरीका होता है कि प्लेट में कोफ्ते रखो, ऊपर से गर्मा गर्म ग्रेवी डालो, तो एकदम सही रहता है वो तरीका। और हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। गाइस, YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।